नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज मैं आया हूँ वुपेटाल। तो वुपेटाल जो है भैया, ये एक गांव टाइप का है, गांव भी नहीं, बहुत बड़ा शहर भी नहीं, एक छोटा सा कस्बा है जर्मनी में। और यहाँ पे चलती है बड़ी ज़बरदस्त वाली ट्रेन। तो ये देखिए, मेरे पीछे आई एक ट्रेन और ये चल रही है पूरा हवाई के ऊपर, बिना टायर की ट्रेन। तो ये बड़ी भैया इंटरेस्टिंग ट्रेन है, इसलिए मैं इधर आया घूमने के लिए। और ये भाई साहब, ये ट्रेन देखने में तो एकदम सुपर सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन 123 साल पुरानी है। 1901 में इस ट्रेन का उद्घाटन हुआ था फर्स्ट टाइम, मतलब उसके बाद बहुत सारे LED बत्तियां तो लग गई उसमें, बट ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको, ये ऊपर लटका हुआ है, ये पूरा 1901 का स्ट्रक्चर है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है ये ट्रेन की, तो मैंने कहा जरा इसके ऊपर एक अच्छा डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। तेरह किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जहाँ पे ये भाई साहब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ट्रेन फुल टाइम इसी पे चलती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं तो सुपर एक्साइटेड हो रहा हूँ इस ट्रेन को देख के, लेकिन पब्लिक को कोई मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ डेली अप डाउन करते हैं वो लोग इससे। और ये एकदम रेगुलर ट्रेन है लोगों के लिए, और हमारे जैसे लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जगह है। और ये स्टेशन भी देख सकते हैं, एकदम छोटा सा स्टेशन है, बस यहाँ से लेके इतना ही तक है। और ट्रेन का डब्बा भी ऐसा ही है, और ये देखेंगे तो ये भी हवे में ही है। तो नीचे वो नहर चल रही है और हम यहाँ पे ऊपर हैं। तो अभी मुझे जाना है दूसरे साइड में, जहाँ पे 3 मिनट बाद एक ट्रेन आने वाली है, तो दूसरे साइड चला जाए। इसका टाइम टेबल देख के समझ में आ रहा है कि भाई साहब 5-5 मिनट में एक एक बसेज हैं, मतलब ये ट्रेन्स हैं, तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है और बहुत नंबर ऑफ ट्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं। ये बोगीज हर 5 मिनट्स में है, मतलब आप समझ लीजिए, और 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है और एवरी 5 मिनट्स में एक एक ट्रेन है, सो काफ़ी फ्रिक्वेंसी है इसकी। और ये जो जगह है भाई साहब, ये वुपेटाल, ये काफ़ी मतलब पहाड़ टाइप का एरिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल रीज़न यही रहा होगा कि यहाँ तो एक तो नदी समुंदर भी चल रहे हैं इतने भारी भारी, और पहाड़ है, तो शायद इसके कारण इनको रोड नहीं बनाते बनाकर। अभी हिस्ट्री पढ़ा जाएगा तो समझ में आएगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और पहाड़ होने के कारण भी इनको इसकी ज़रूरत पड़ी होगी, ऐसा फीलिंग आ रहा है। और ये जो 13 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, उसमें 20 स्टेशन्स, और 20 स्टेशन्स में से सिर्फ 4 स्टेशन हैं जो ज़मीन पे हैं, मतलब ज़मीन के लेवल पे हैं, बाकी सब ऐसे हवे में ही हैं उड़ते हुए। मतलब यही है कि काफ़ी हाइट पे है तो ये, और मेन रीज़न शायद यही है कि इनको रोड्स नहीं बना पाए थे 123 साल पहले, मतलब अभी 1901 की बात है। ये वीडियो अगर आप 2030 में देखेंगे तो और पुरानी ये ट्रेन हो चुकी होगी। पुअर जोक।